हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विजुअल पाथवे या फिर ऑप्टिक पाथवे। सो विजुअल पाथवे या फिर ऑप्टिक पाथवे क्या है कि कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं, हमारी आईज से मैसेज कैसे ब्रेन तक जाता है। सो इस पाथवे को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक पाथवे या फिर विजुअल पाथवे। सो हमारी आई की जो सबसे इनर लेयर है उसको कहते हैं रेटिना। सो कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, वो लाइट रेज जब रेटिना पर स्ट्राइक होती है, सो रेटिना में क्या प्रेजेंट होता है, विजुअल रिसेप्टर्स। सो ये विजुअल रिसेप्टर्स क्या है, रेटिना में रोड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। जैसे ही लाइट रोड एंड कोन सेल्स पर स्ट्राइक होती है, सो रोड एंड कोन सेल्स क्या करते हैं, इन लाइट रेस को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देन ये नर्व इंपल्स नर्व फाइबर्स के थ्रू ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। देन ये ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक जाती है। सो ये इस तरह से होता है, सपोज ये है राइट आई एंड ये है लेफ्ट आई, एंड आई की सबसे इनर लेयर रेटिना में क्या प्रेजेंट होता है, रोड एंड कोन सेल्स। ये रोड एंड कोन सेल्स क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, इनको क्या कहते हैं, विजुअल रिसेप्टर्स। सो रेटिना में विजुअल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देन ईच आई के टू साइड्स होती हैं, एक होती है नेजल साइड। सो ये राइट आई की नेजल साइड है एंड ये लेफ्ट आई की नेजल साइड है, एंड एक होती है टेम्पोरल साइड। सो ये राइट आई की टेम्पोरल साइड है एंड ये लेफ्ट आई की टेम्पोरल साइड है। सो जो नेजल साइड प्रेजेंट है आई, उसको बोलते हैं नेजल रेटिना, एंड टेम्पोरल साइड को बोलते हैं टेम्पोरल रेटिना। सो नर्व फाइबर्स दोनों साइड से निकलती हैं, नेजल साइड से नर्व फाइबर्स निकलती हैं एंड टेम्पोरल साइड से भी नर्व फाइबर्स निकलती हैं। सिमिलरली दिस साइड, नेजल साइड से भी नर्व फाइबर निकलती है एंड टेम्पोरल साइड से भी। देन ये नर्व फाइबर्स मिलकर क्या बनाती है, ऑप्टिक नर्व। सो ये ऑप्टिक नर्व आई से कहां से निकलती है, ऑप्टिक डिस्क से। सो इस पॉइंट पर क्या प्रेजेंट होती है, ऑप्टिक डिस्क, जहां पर ऑप्टिक नर्व आई से निकलती है। सो ऑप्टिक नर्व में क्या प्रेजेंट है, ईच आई की नेजल रेटिना एंड टेम्पोरल रेटिना के नर्व फाइबर ऑप्टिक नर्व में प्रेजेंट है। नाउ ऑप्टिक नर्व क्या बनाती है, ऑप्टिक काइज्मा। सो ऑप्टिक काइज्मा कहां पर बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के फ्रंट एंड अबव पर। सो ये कैसे बनता है, सो ये जो नेजल फाइबर्स हैं, यानी कि जो नेजल रेटिना के फाइबर्स हैं, ये क्या होते हैं, क्रॉस ओवर होते हैं, क्रॉस हो जाते हैं, एंड जो टेम्पोरल साइड के जो फाइबर्स हैं वो ऐसे ही निकल जाते हैं, वो क्रॉस नहीं होते। सो ये जहां पर नेजल साइड के फाइबर्स क्रॉस होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक काइज्मा। सो ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर जहां पर क्रॉस ओवर होता है नेजल रेटिना का, उसको बोलते हैं ऑप्टिक काइज्मा। सो ये कहां पर होता है, इन फ्रंट ऑफ एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर मोर स्पेसिफिकली अगर बोले तो इन हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्फिनोइड बोन में ये ऑप्टिक काइज्मा बनता है। सो नेजल साइड ऑफ ईच रेटिना क्रॉस ओवर, सो नेजल साइड जो है रेटिना की वो क्रॉस ओवर हुई है। ये इसलिए होता है ताकि जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, यानी कि ब्रेन में जहां पर मैसेज जाना है, वहां पर दोनों आई से इमेज रिसीव हो सके एंड कोऑर्डिनेशन में दोनों आई वर्क करें, इसलिए ये नेजल रेटिना का क्रॉस ओवर यहाँ पर होता है। नाउ इसके बाद क्या होता है, देन ये है नेजल रेटिना या फिर नेजल नर्व फाइबर, एंड ये क्या है, टेम्पोरल नर्व फाइबर। सिमिलरली दिस साइड, सो ये अब क्या बना रही है, इसके बाद अब एक इधर साइड क्या प्रेजेंट है, एक नेजल लेफ्ट आई की नेजल रेटिना एंड राइट आई का क्या प्रेजेंट है, टेम्पोरल रेटिना नर्व फाइबर। एंड दिस साइड क्या है, लेफ्ट आई का टेम्पोरल नर्व फाइबर प्रेजेंट है एंड दिस साइड का नेजल रेटिना का नर्व फाइबर प्रेजेंट है। अब इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक ट्रैप। सो ये क्या है, ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक क्या होता है,
पोस्टीरियर टू ऑप्टिक काइज्मा। सो ऑप्टिक काइज्मा के बाद क्या बनता है? ऑप्टिक ट्रैक, दैट इज पोस्टीरियर टू ऑप्टिक काइज्मा। टेम्पोरल फाइबर फ्रॉम वन आई एंड नेजल फाइबर फ्रॉम अदर आई। सो इसमें क्या है, एक आई का टेम्पोरल फाइबर है एंड दूसरी आई का नेजल फाइबर है, सिमिलरली दिस साइड। अब इसके बाद क्या होता है, सिमिलरली दिस साइड, अब ऑप्टिक ट्रैक के बाद साइनेप्स विद नर्व सेल्स ऑफ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। सो देन ऑप्टिक ट्रैक कहां से पास होती है, थैलेमस से। सो थैलेमस में क्या होता है, फर्दर साइनेप्स होता है। सो साइनेप्स कैसे होता है कि जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो कि थैलेमस में प्रेजेंट है उसके नर्व सेल्स इन ऑप्टिक ट्रैक के नर्व सेल्स के साथ साइनेप्स करते हैं। सो ये इस तरह से होता है। सो साइनेप्स के थ्रू क्या होती है, ये जो नर्व सिग्नल्स हैं ये एक्सचेंज होते हैं। सो ये यहां पर क्या प्रेजेंट है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। सो ये क्या हुआ, साइनेप्स हुआ, दैट इज इन द थैलेमस, और ये साइनेप्स का हुआ थैलेमस में, और ये क्या है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज जिसको थर्ड न्यूरॉन भी कहते हैं। सो यहां पर ऑप्टिक ट्रैक का लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज के नर्व सेल्स के साथ साइनेप्स होता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर एक्सचेंज होती है। नाउ ये जो ऑप्टिक ट्रैक है देन इसमें बहुत सारी ऑप्टिक रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑप्टिक रेडिएशंस में इस तरह से बहुत सारी ऑप्टिक रेडिएशंस है। एंड देन ये रेडिएशंस कहां पर जाती है, विजुअल एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो ये सपोज सेरिब्रल कॉर्टेक्स का विजुअल एरिया है। सो यहां पर देन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है एंड जहां पर देन हमें इमेज परसीव होती है। सो ये क्या है, विजुअल एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है, ऑसिपिटल लोब में। सो ये बहुत ही सिंपल है, हमारी जो आई है उसके टू साइड्स होती है, नेजल साइड एंड टेम्पोरल साइड ईच आई की। जो नेजल साइड से फाइबर्स हैं और टेम्पोरल साइड से जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व। देन ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक काइज्मा बनाती है। ऑप्टिक काइज्मा कहां पर बनता है, हाइपोफाइजियल फोस ऑफ स्फेनोइड बोन या फिर इन फ्रंट ऑफ एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ऑप्टिक काइज्मा में क्या होता है, जो नेजल फाइबर्स है वो क्रॉस ओवर होते हैं लेकिन जो टेम्पोरल फाइबर है वो ऐसे ही कॉन्टिन्यू रहते हैं। सो ऑप्टिक काइज्मा के बाद ये दोनों क्या बनाते हैं, ऑप्टिक ट्रैक। दोनों कौन से, एक आई का नेजल फाइबर एंड एक आई का टेम्पोरल फाइबर क्या बनाता है, ऑप्टिक ट्रैक। देन इन थैलेमस क्या होता है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से इन ऑप्टिक ट्रैक का साइनेप्स होता है। देन ये जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज है ये क्या बनाती है, यहाँ पर ऑप्टिक रेडिएशन। सो ऑप्टिक रेडिएशन क्या, बहुत सारी रेडिएशन निकलती है एंड ये रेडिएशन कहां पर जाती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, विजुअल एरिया में, जो कि कहां पर है, ऑसिपिटल लोब में। देन हमें इमेज परसीव होती है। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.